हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बेरोजगार रीट अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री राज्य के नाम ज्ञापन सौंपा। रीट भर्ती परीक्षा 2018 में नियुक्त शिक्षकों के शामिल नहीं करने के संदर्भ में रीट अभ्यर्थियों ने राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले बाड़मेर जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में रीट अभ्यर्थियों ने बताया कि रीट भर्ती परीक्षा 2018 के द्वितीय लेवल में 6-7 हजार ऐसे शिक्षक हैं जो पहले से ही राजकीय सेवा में शिक्षक पैड पर कार्यरत हैं, जिन्होंने इस भर्ती परीक्षा में दोबारा आवेदन किया और उनका चयन भी हो गया। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि यदि पहले से कार्यरत शिक्षक पुनः उसी पैड के लिए आवेदन करते हैं तो बेरोजगार युवाओं के साथ घोर अन्याय है। ज्ञापन में उन्होंने रीट भर्ती परीक्षा 2018 में पहले से नियुक्त शिक्षकों के शामिल न कर बेरोजगारों को अवसर प्रदान करवाने, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 के चयनित 7,225 अभ्यर्थियों को रीट से पहले नियुक्त दिलवाने, रीट भर्ती 2018 के लिए नई चयन सूची जारी करवाने की मांग की है। जिस वजह से कई बेरोजगारों के साथ धोखा हो रहा है, इस मामले को लेकर सरकार को हम ज्ञापन पहुंचाना चाहते हैं कि अगर स्पष्ट गाइडलाइन देते हैं तो शायद बेरोजगारों के साथ धोखा नहीं हो। जैसा कि 2016 में ऑलरेडी एम्प्लॉयड है उनको सरकार दोबारा मौका दे रही है और बेरोजगार पीछे रहे हैं। दूसरी बात, एडिशनल भी इसके साथ में शामिल कर रखे हैं तो उस मामले में 3 इयर्स का जो ग्रेजुएशन कोर्स है वो कोई वैल्यू नहीं रखता है। इन केस अगर आप अलाउ करते हो 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स अलाउडेड को, तो इन मामलों को लेकर ज्ञापन देने पहुँचे हैं। तो आप आज किनको ज्ञापन किनके माध्यम से दे रहे हैं, क्या कुछ? ज्ञापन कलेक्टर के थ्रू हम पहुँचाना चाहते हैं सरकार तक आवाज। तो आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आपका अगला कदम क्या होगा, किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन वगैरह किया जाएगा? मांगा नहीं माने जाने पर हमारा जो बेरोजगार संघ है वो ऑलरेडी कार्यरत है और हम चाहेंगे कि सरकार तक हमारे शांतिपूर्ण माध्यम से जब आवाज़ नहीं पहुंचाई जा रही है तो फिर आंदोलन के तौर पे पहुंचाया जाए, किसी माध्यम से आवाज़ तो पहुँचाना जरूरी हो जाएगा। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।